बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। रोज़ाना अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये बड़ी सआदत की बात है। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ाना सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, इस अमल की वजह से कल कयामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार बनेगा। सुबहानअल्लाह। तो आए अभी से पक्का इरादा करें कि इस अजीम नेकी को करके कल कयामत के दिन जब हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, उस दिन अल्लाह के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार बन जाएं। अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों और बहनों हाथों की 10 उंगलियां दी हैं। अभी से पक्का इरादा करें कि रोजाना सुबह का काम शुरू करने से पहले 10 बार अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। फिर देखें कैसे अल्लाह ताला आपके सब कामों में बरकतें अता फरमाएगा। और जब रात को सोएं तो फिर 10 बार दुरूद पाक पढ़ें। फिर देखें अल्लाह कैसे सुकून और राहत की नींद अता फरमाएगा। तो अहद करें कि जितनी जिंदगी बची है हम ये अमल लाजमी करेंगे। और जो ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गम परेशानियां भी मिटा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि हमें ये सआदत नसीब फरमाए कि हम रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बेशक दीन की बात दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ा नेकी का काम है। हमें इजाजत मिलती है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।